इस तरह का नज़ारा अगर आपके फार्म में देखने को मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या उपाय करें, तरह तरह का दवा का प्रयोग करने लगते हैं। हाय दोस्तों, जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इस प्रकार का समस्या को आसानी से किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और किन किन कारणों से ये समस्या होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार का समस्या को आसानी से चुटकियों में कैसे दूर करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का समस्या को दूर करने से पहले इसका कारण के बारे में जान लेते हैं ताकि समस्या दूर करने में आसानी होगा। इस प्रकार का समस्या होने में सबसे मेन कारण है आजकल जो हम लोग फीड देते हैं वो फीड हाई प्रोटीन वाला होता है, और आजकल जो चूजा आया है CO430 ब्रीड जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट है। इस प्रकार का समस्या का होने में साथ ही साथ हम लोग जब फीड देने के लिए भाग भाग कर फीड देते हैं या फार्म में कभी कभार भगदड़ का स्थिति मचा देते हैं तो भी इस प्रकार का समस्या अधिक देखा गया है। अब बात करते हैं इस प्रकार का समस्या को अगर हो जाए तो मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट का धंधा है। जब जैसा परिस्थितियाँ आए उसी प्रकार मैनेजमेंट में बदलाव करना पड़ता है। उसके बाद इलाज के बारे में जानेंगे, क्योंकि फार्मिंग मैनेजमेंट का धंधा है, जब जैसा परिस्थिति हो उसी प्रकार चेंज करना पड़ता है। अगर इस प्रकार का समस्या हो गया और बड़ा बड़ा हेल्दी हेल्दी बर्ड मरने लगे तो सबसे पहले उनका ग्रोथ को स्लो करना पड़ता है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। जब भी दाना फीडर में लगाएं, सुबह लगाएं तो शाम में ख़त्म हो जाए, और जब शाम में लगाए तो सुबह ख़त्म से होने से पहले ख़त्म हो जाए। इस प्रकार का उपाय करने से उनका ग्रोथ कुछ धीमा हो गया, क्योंकि फीडिंग कम करेंगे तो भूख के कारण खाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, अगर खाना कम मिलेगा तो खाने के बजाय पानी पिएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि फीड अधिक खाएंगे और पानी कम पिएंगे। क्या कि आप जानते हैं कि ब्रॉयलर आलसी बर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने खाते हैं और पानी कम पीते हैं। अब बात करते हैं इस समस्या का दूर करने के बारे में। जब भी इस प्रकार का समस्या हो तो सुबह में जब पानी लगाते हैं तो इस प्रकार का समस्या जैसा आपका हो रहा है वैसा हर एक फार्मर का होता है, मेरा भी होता है, लेकिन इसके लिए मैं एक नुस्खा आजमाता हूँ, वो मैं आप लोगों को बता व दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इस प्रकार का समस्या में सुधार होता है। सबसे पहले तो अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो तो टंकी में डाल सकते हैं, और अगर मैनुअल हो तो हम लोग जो यूज करते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो आप चीनी देख रहे हैं इस चीनी को इस प्रकार से लगाइए, इस प्रकार का लगाने से मेरा सुधार होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से करते हैं। ये नुस्खा जो है सो मेरे लिए बहुत ही कारगर है, और वो जो आप मात्रा देख रहे हैं ये मात्रा 1000 बर्ड के लिए काफ़ी है। तो ये तो मैं आजमाता हूँ, और देखिए मैं इसको किस प्रकार का देता हूँ उसको आप देखिए।
और आगे का वीडियो में जानेंगे कि ये नुस्खा जो है काम किस प्रकार का करता है और इसका फायदा किस प्रकार का है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए और लाभ उठाइए। अब इसका फायदा के बारे में जानते हैं। इस प्रकार का पानी पीने से ब्लड का वाटर इंटेक बढ़ जाता है और ये पानी जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इससे उनके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहता है। इसको या इस प्रकार का पानी को अगर मैनुअल ड्रिंकर हो तो 4 से 6 घंटा का पानी में लगाना पड़ता है, या अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो तो घोल करके टंकी में डाल देते हैं 4 से 6 घंटा का पानी में। इससे इस प्रकार का समस्या में सुधार देखा गया है और ये जो है ये नुस्खा आजमाने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये नुस्खा 1 या 2 दिन करने से समस्या में सुधार देखा गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बगल का बेल बटन को ऑन कर दे और अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक देकर मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा अनुभव आपके लिए कितना फायदेमंद रहा और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप पर ताकि और भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।